और अब बात सत्य के सबूत की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोटशाला को लेकर लगातार बताया जा रहा था कि एसआई की टीम जांच में जुटी है। एसआई की टीम ने समय भी मांगा था और तमाम हिंदू पक्ष के लोगों से प्रतिक्रियाएं ली गई, मुस्लिम पक्ष के लोगों से प्रतिक्रियाएं ली गई। उसके बाद वहां पर जो सबूत मिले, तथ्य मिले, उसको लेकर रिपोर्ट तैयार की गई और आज जबलपुर के हाईकोर्ट में इंदौर बेंच को रिपोर्ट सौंप दी गई है। लेकिन इसको लेकर नई नई प्रतिक्रियाएं, नए नए रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की, खंभों पर मंत्र और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि भोटशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोटशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसी चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोटशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। 98 दिनों के सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोटशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोटशाला की खिड़की, खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एएसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित माँ सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है, परमार कालीन यह स्मारक होगा। धार का भोटशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोटशाला माँ सरस्वती का मंदिर है जिसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहाँ कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बता रहा है और भोटशाला को मस्जिद कहने के साथ नमजा की इजाजत की मांग कर रहा है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोटशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोटशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है, मामला क्या है, मंदिर है या मस्जिद, विवाद यहीं से शुरू होता है और उसके बाद सर्वे शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही इंदौर की तरफ से ये आदेश आता है कोर्ट की तरफ से, 22 मार्च को ये सर्वे शुरू हो जाता है। सर्वे कब खत्म होता है? 28 जून को, यानी कि 98 दिन तक ये सर्वे चलता है, जिसके बाद अब खत्म हो चुका है। सर्वे किया एएसआई ने, एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? 1700 सबूत मिले हैं, एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में ये कहा है। आज क्या हुआ? हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब इस सर्वे रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। यानी कि 1700 सबूत मिलने का जो दावा किया गया है एएसआई की तरफ से, वो साफ ये कहता है कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था, आप खुद सोच सकते हैं। और इसी के साथ 22 जुलाई को जब यह फैसला आएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। भोटशाला, मंदिर या मस्जिद को लेकर लगातार
बयान सामने आ रहे थे। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ भोटशाला में। एएसआई की टीम सर्वे आदेश मिलने के बाद पहुंचती है करने के लिए और 98 दिनों तक ये सर्वे चला। 1700 सबूत करीब मिले हैं, ये बात मिली है। आज हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है और अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। तो करीब 1700 सबूत इसमें सामने आए हैं, पेश किए गए हैं और जिसमें बताया गया है कि कई आकृतियां मिली हैं, कई सबूत ऐसे हैं जो हिंदू पक्ष को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन इसकी अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। तो करीब यहां पर टीम पहुंचती है, कई दिनों का समय लगा जब सर्वे किया गया और यह भी मामला निकलकर सामने आया कि हिंदू पक्ष मजबूत बताया जा रहा है। भोटशाला मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी और तभी सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो जाएगा। जो प्रोविजंस आपको हासिल है, जो प्रोटेक्शन आपको हासिल है, वो छीनना चाहते हैं, ये गलत बात होगी। हम इसको चैलेंज करते हैं। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार दिया तो कथित मौलाना भड़क गए। समाज के कथित ठेकेदार अब संविधान की जगह शरिया को बड़ा बता रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि महिला अधिकारों को लेकर के क्रांति का झंडा बुलंद करने वाला विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी खामोश है। कुछ नेता तो दबी जुबान में मौलानाओं का ही समर्थन कर रहे हैं। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। देश का संविधान बचाओ, भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। सुना आपने, ये वही लोग हैं जो संविधान की दुहाई देते नहीं थकते थे, संविधान का शोर करते थे, संविधान को साथ लेकर घूमते फिरते हैं, संविधान को खतरे में बताते थे, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करते थे, सभाओं से लेकर शपथ ग्रहण तक संविधान की किताब दिखाते थे। लेकिन जब सही में संविधान में मिले हक की लड़ाई की बात होती है तो ये मौन धारण कर लेते हैं, इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। जिस संविधान की रक्षा करने का दम विपक्ष हमेशा भरता रहा है, उसी संविधान के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन मुस्लिम संगठन ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल बता दिया। कहा कि अदालतें शरीयत में दखल दे रही हैं, उनके निजी मसलों में संविधान नहीं शरिया कानून ही चलेगा। ये जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं के हक में उन्होंने फैसला किया है, हमारा मानना यह कि बात सही नहीं है। ये कहना कि शरीयत ने महिलाओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी की है जिसका आप फैसला करके दे रहे हैं। तलाक कब होती है? जब रिश्ता चलता नहीं है, मामला ख़राब हो जाते हैं, तब तलाक होती है। अगर तलाक देने के बाद भी उसको मेंटेनेंस देना है जिंदगी भर, तो तलाक नहीं देगा, लटका के रखेगा, परेशान करेगा, तो उसकी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मेंटेनेंस मिलना चाहिए इद्दत तक, इद्दत के बाद मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी हस्बैंड की नहीं। जो शरई अदालतें कायम हैं, दारुल इफ्ता हैं, दारुल कज़ा हैं, मजहबी रहनुमा हैं, इनके पास में जाएं और अपना मजहबी जो मामला है, अपनी जो परेशानी है, वो इनसे बयान करें और यहाँ से फैसला कराएं, ताकि कोर्ट कचहरी में जो रोजाना मजहब का, इस्लाम का, शरीयत का मजाक बनता है, ये मजाक न बने। सवाल है कि कौन है ये लोग जो शरीयत की वकालत कर रहे हैं, शरीयत को संविधान से ऊपर रख रहे हैं, और कहाँ है वो विपक्ष जो सदन के अंदर से लेकर बाहर सड़कों तक संविधान संविधान चिल्ला रहा था। मौलानाओं के ये बयान आपने सुने, सुना तो इन्हें विपक्ष के नेताओं ने भी होगा, लेकिन इस पर एक भी विपक्ष नेता बोलने को तैयार नहीं। जिस संविधान को बचाने की दुहाई दी जा रही थी, उसे बचाने के लिए अब कोई आगे नहीं आ रहा। जिस संविधान की रक्षा की बात की जा रही थी, उसी संविधान के तहत दिए गए आदेश पर अब कोई बात करने को तैयार नहीं है।